के ध्यान सपनों की उड़ान। चलो शिकंजी बनाएं। लेखक नंदिनी, प्रकाशक प्रथम बुक्स टीम। स्कूल से आने के बाद हम पीपल के पेड़ के नीचे खेलते हैं। लंगड़ी टांग पोषम पा आंख में चोली स्टापू ऊंच नीच आई स्पाइस और पिट्ठू। पेड़ के पास राजू चाचा की चाय की दुकान है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वे हमारे लिए थोड़ी शिकंजी भी रख देते हैं। आज हम 8 लोग हैं। हम किस प्रकार शिकंजी को बराबर बराबर बांटेंगे? अमन की जेब में थोड़ी रस्सी रखी है। हम इसे जग में रखे नींबू पानी के बराबर की लंबाई में काटेंगे। हम कटी हुई रस्सी को 2 भागों में मोड़ेंगे। उसके बाद इसे दोबारा 2 भाग में मोड़ेंगे। अब हमारे पास 8 बराबर भाग हैं। इससे हम जग पर 8 बराबर भाग पर निशान लगाएंगे। मनु और सारा एक साथ जग को उठाते हैं। वे नींबू पानी को सावधानी से ग्लासों में उड़ेलते हैं। यह स्वादिष्ट है, हमें और चाहिए। तुम लोग इसे खुद बना सकती हो, राजू चाचा ने कहा। यहाँ बोर्ड पर इसे बनाने की विधि लिखी है। 1/10 नींबू का रस, 2/10 चीनी का घोल और 8/10 ठंडा पानी। इन सब चीजों को एक जग में डालें, इन्हें अच्छी तरह से हिला लें और नींबू पानी को सबके सामने परोसें। हमारे पास पानी, चीनी का घोल और नींबू का रस है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि किस प्रकार चीजों को 10वें हिस्से में नापें। गुड़िया ने कहा, हमारे पास 8 भाग पर निशान लगे हुए हैं। 2 और निशान लगा लेते हैं और हमारे पास 10 निशान हो जाएंगे। आलोक पहले निशान तक नींबू का रस डालता है। मैंने 2 भाग चीनी का घोल उड़ेला। अब यह मिश्रण तीसरे निशान तक पहुंच गया है। मनु ने 10वें निशान तक ठंडा पानी डाला। हमने इसे हिलाया तथा 8 ग्लासों में उड़ेल दिया। हमारे पास थोड़ी शिकंजी बच गई। हमने इसे राजू चाचा के बड़े ग्लास में डाल दिया। शाबाश, राजू चाचा कहते हैं, मैंने इतना स्वादिष्ट नींबू पानी कभी नहीं पिया। यह गरम पकौड़ों के साथ और ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। हुर्रे, धन्यवाद राजू चाचा। तो प्यारे बच्चों, आप सब भी इस कहानी के साथ शिकंजी बनाने की विधि सीख ही गए होंगे। तो गर्मियों के मौसम में अधिक से अधिक पानी पिए और मजेदार शिकंजी भी। आशा करती हूँ आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं आप सबसे जल्द मिलूंगी एक और मजेदार कहानी के साथ।